हेलो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैंने गुजरात भुज सिटी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है। इसमें मैंने जितने भी डिटेलिंग दी है, मुझे नहीं लगता किसी और वीडियो में आपको इतनी डिटेलिंग मिलेगी। सो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरा वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करते हुए जाएं। थैंक यू। स्वामीनारायण मंदिर, यह मंदिर 1823 में बनके तैयार हुआ था। 2001 के भूकंप में यह मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे फिर 2003 में 7 मई के दिन इसका निर्माण दोबारा से स्टार्ट किया गया। 7 साल में 2010 में यह मंदिर बनके तैयार हुआ, और जो नया मंदिर बना वो पुराने मंदिर से बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर बनाया गया था, जिसमें कि 25 माइनर डोम्स थे और 258 पिलर थे। ये मंदिर अपने डोम्स के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से जाना जाता है। हर एक डोम के अलग अलग डिजाइन हैं, संगमरमर से इसे अलग अलग तरीके से तराशा गया है, और एक बार आप देखेंगे तो इतना अधिक डिटेलिंग इसके मंदिर में डाला गया है, डोम्स में डाला गया है, पिलर्स में डाला गया है, कि आप इसको देखते रह जाएंगे। पराग जी ने 1860 से 1875 के अपने समय काल में इटली से कारीगरों को बुलवा करके इस महल को तैयार करवाया। उस समय इस महल को बनाने का खर्चा 31 लाख रुपए आया था। जब भुज स्टेट था तो राज दरबार भी इसी महल में लगाया जाता था, और उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी भी इसी महल के अंदर बना। इसी महल में बहुत सारे फिल्म की शूटिंग हुई है, जिसमें एक लगान मूवी भी है जो कि इसके में शूट हुआ है। क्लॉक टावर पराग महल के साथ ही बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है। ये आज के समय भी वर्किंग है, समय बताती है और हर एक घंटे पे आवाज करती है और लोगों को समय बताती है। इसके ऊपर जाने पे बहुत अच्छा भुज शहर का नज़ारा मिलता है। आईना महल पराग महल के ही बगल में बना हुआ है। ये महल 18 सेंचुरी में बनाया गया था। इसे शीश महल भी कहते हैं। इसका शीश महल इसमें लगे अनगिनत शीशों के कारण 1750 में बनवाया था। इस आईना महल की कीमत उस समय 18 लाख कोरीज पड़ी थी। इसके फ्लोर में ब्लू ग्लास टाइल्स लगे हैं। इसके सीलिंग्स में बहुत छोटे छोटे शीशों से कलाकारी की गई है। इसमें एक ऐसा कमरा है जिसमें कि बताया जाता है कि पुराने दिनों में एक दिया रखने से पूरे रूम को जगमग कर दिया जाता था। भुजिया हिल, इसी हिल पर भुज फोर्ट भी बसा हुआ है। इस फोर्ट का निर्माण 1718 से 1741 तक। ये भुज का एकमात्र ऐसा हिल है जहां से पूरे भुज शहर का पैनोरामिक व्यू दिखता है। 1947 में इस फोर्ट को इंडियन आर्मी द्वारा ले लिया गया था, जो कि 2001 में। और इसी हिल पे एक दुर्गा टेम्पल भी है, जिसमें कि कोई एंट्री फी नहीं है। इस भुज हिल पे कोई एंट्री फी नहीं है। यहाँ पे आने का टाइमिंग 24 घंटा है, आप कभी भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं। इस पार्क का निर्माण कोई आम पार्क जैसा नहीं किया गया है। इसका निर्माण 2001 में आए भूकंप में 13,800 लोगों की जान जाने के याद में इसको बनाया गया है। इसमें लगभग 155 करोड़ रुपए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया था, जिससे कि इसमें बहुत सारे पॉन्ड्स को बनाया गया है, और हर एक पॉन्ड इस तरह से बनाया गया है कि जो भुजाई हिल है उससे जो भी पानी आता है वो डायरेक्टली इन छोटे छोटे पॉन्ड्स में जाए। और यहाँ बहुत सारे पॉन्ड्स का निर्माण किया गया। हर एक ट्रेंच
हर एक पानी के रास्ते को फाइंड आउट किया गया कंटूर मैप के द्वारा, और उस टोटल कंटूर मैप को ड्राइंग पे फाइंड आउट करके और वहाँ पे एक छोटे छोटे तालाब या कलेक्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं जो कि पूरा तरह से पत्थरों से डिजाइन किया गया है। इसमें सारे पत्थरों आयरन के जाली में रख दिया गया है और उससे स्क्वायर ब्लॉक बनाया गया और उससे इस पूरे पॉन्ड का डिजाइन किया गया है। इसमें लगभग 33,500 ट्री लगाए गए हैं, प्लांट लगाए गए हैं, जो कि टोटल 85 तरह के प्लांट का प्लांटेशन किया गया है। भुज चठरी, चठरी लेक के पास बसा हुआ है। यहाँ पर दिल दे चुके फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसे 1770 में रॉयल फैमिली के एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया था। खड़ी नदी, इसका सीधा संबंध 26 जनवरी 2001 को 8:46 पे जो भूकंप आया था उससे। ये भूकंप लगभग 22 सेकंड तक रहा और इसकी तीव्रता 7.7 बताई जाती है और यह लगभग 16 किलोमीटर नीचे से आया था। इसकी खड़ी नदी इसी भूकंप में जमीन फटने के कारण बना है। खड़ी नदी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि बारिश के समय इस नदी में चौड़ाई बहुत कम होती है और गहराई बहुत ज़्यादा होने के कारण पानी पूरा भर जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसलिए इसका नाम खड़ी नदी पड़ा। कच्छ म्यूजियम, यह म्यूजियम गुजरात का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है। इसको 14 नवंबर 1877 को एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसमें एक आर्ट स्कूल बनाया गया था जिसमें कि बच्चे आके नई नई कलाकृतियों के बारे में, गुजरात के ट्रेडिशन के बारे में सीखते थे। भारत का ये पहला ऑनलाइन म्यूजियम है जिसमें कि इसके वेबसाइट पर डाटाबेस पे लगभग 600 ग्रंथ अपलोड किए गए हैं और अनेकों फोटोज अपलोड किए गए हैं। यहाँ तपकेश्वर टेम्पल, यह टेम्पल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। चारों तरफ से इसके पहाड़ है। इसके बगल में जो माउंटेन्स है, जो हिल्स है, उस पे सेडिमेंट्री रॉक का पहाड़ है, माउंटेन है, जो कि इरोजन हो करके बहुत सारे केव बना है। हवा से इरोजन हुआ है और उससे केव बना है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो केव है ये पूरी तरह से नेचुरल है, ये विंड के मूवमेंट से हुआ है।